नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो। बताना चाहेंगे कि नई खबर निकल कर आ रही है सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। आपको बता दें, यहाँ पर लगातार आप लोगों के सवाल आ रहे थे कि सीबीएसई की 10th और 12th की एग्जाम का क्या चल रहा है। आपको बता दें, आज पीएम मोदी की मीटिंग चली, घंटे भर ये मीटिंग चली और इस मीटिंग के बाद जो फैसला है वो स्टूडेंटों के पक्ष में सामने निकल कर आया है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ जो है मई और जून में होने वाली थी। ये परीक्षाएँ 4 मई से शुरू हो रही थी, 10वीं की परीक्षाएँ 4 मई से शुरू हो रही थी और यहाँ पर जो डिसीजन है वो ये लिया गया है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो टाल दी जाएंगी और यहां पर 10वीं वालों को सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। जी हां दोस्तों, 10वीं वालों को यहां पर जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है और 12वीं वालों की जो एग्जाम है उसको टाल दिया गया है। और ये कहा गया है कि इस एग्जाम का जो डिसीजन है वो जून को फिर से स्थिति का जायजा लेकर डिसीजन लिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, अगर परीक्षा 12वीं वालों की करवानी होगी तो उस परीक्षा की जानकारी 15 दिन पहले आपको बता दी जाएगी, नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो यहां पर 4 मई से जो सीबीएसई बोर्ड की 10th बोर्ड की होने वाली थी उन सभी लोगों को यहां पर जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चला कैंसल बोर्ड एग्जाम 2021। इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट रिस्पांस लिया गवर्नमेंट ने और ये जो आउटपुट है वो सामने निकल कर आया है। फिलहाल की वीडियो में बस इतना है, आगे की सभी अपडेट्स के लिए जुड़ रही है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।